नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पारा शिक्षक आकलन परीक्षा का देख सकते हैं उत्तर पुस्तिका। झारखंड एकेडमी काउंसिल ने पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा का ओएमआर शीट जारी कर दिया है। राज्य में पहली बार रिजल्ट से पहले किसी परीक्षा का ओएमआर शीट जारी किया गया है। परीक्षा में लगभग 40,000 से अधिक शिक्षक शामिल हुए थे। जैक द्वारा इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि परीक्षा की स्वच्छता व निष्पक्षता को देखते हुए शामिल सभी परीक्षार्थियों का ओएमआर शीट जैक के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी जैक की वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर अपनी ओएमआर शीट देख सकते हैं। जैक द्वारा परीक्षा का उत्तर कुंजी भी जारी कर दिया गया है। उत्तर कुंजी भी जैक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षार्थी इससे अपने उत्तर का मूल्यांकन कर सकते हैं। परीक्षार्थी जैक द्वारा जारी उत्तर कुंजी पर अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति 9 अगस्त शाम 5 बजे तक दर्ज कराया जा सकता है। वहीं 9 अगस्त को शाम 5 बजे के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईमेल के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम रघुवर दास ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने युवा को झंडा प्रदान करते हुए कहा है कि 15 अगस्त को अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा अवश्य लगाएं। साथ ही इस अभियान में लोगों को जोड़े और उन्हें तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा है कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है। इस अभियान से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना और प्रगाढ़ होगी। हमें आज़ादी के लिए लड़ने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन देश के लिए कुछ करने का अवसर अवश्य मिला है। उन्होंने कहा है कि इस अभियान से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना और प्रगाढ़ होगी। कहा है कि हमें आज़ादी के लिए लड़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन देश के लिए कुछ करने का अवसर मिला है। अपने अपने घरों पर झंडा अवश्य फहराए। यह उन महापुरुषों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने तिरंगा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। झामुमो ने की केंद्रीय कार्यकारिणी की घोषणा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आखिरकार झामुमो के केंद्रीय पदाधिकारी और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी है। हेमंत सोरेन से विमर्श के बाद झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने नामों की घोषणा कर दी। रांची में 18 दिसंबर 2021 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया था। महाधिवेशन आयोजन के 19 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद रविवार को झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने झामुमो के केंद्रीय पदाधिकारी और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के नाम की घोषणा कर दी है। टीम झामुमो में सोरेन परिवार के रूपी सोरेन, सीता सोरेन, बसंत सोरेन, अंजलि सोरेन के नाम भी शामिल हैं। बजरंग दल की राष्ट्रीय बैठक में 1,00,000 संयोजक बनाने का लक्ष्य। बीहिप की युवा शाखा बजरंग दल की बैठक में बीहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बजरंग दल के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी, साथ ही आदिवासी दिवस और मणिपुर हिंसा पर अपनी बात रखी। बता दें, विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल की 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक रांची के दिगंबर जैन भवन में रविवार 6 अगस्त को समाप्त हुई। समापन सत्र में बीहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूरे हो गए। इसको लेकर आने वाले 1 वर्ष में विश्व हिंदू परिषद ने 1,00,000 गांव तक संगठन विस्तार करने का लक्ष्य रखा है। इस मौके पर मिलिंद परांडे ने कहा है कि 9 अगस्त को घोषित मूल निवासी आदिवासी दिवस यूरोप अफ्रीका में ईसाइयों के द्वारा वहाँ के स्थानीय जनजातियों को प्रताड़ित कर लाखों की संख्या में हत्या की स्वीकृति देकर उन्हें याद करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता के खिलाफ पीई दर्ज के प्रस्ताव को सीएम ने दी स्वीकृति। भ्रष्टाचार के मामलों में हेमंत सरकार कई बड़े और कड़े फैसले लेती दिख रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह के खिलाफ पीई दर्ज करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह जब हजारीबाग पथ अंचल में पदस्थापित थे तो आयकर विभाग की जांच में गलत तरीके से आय से अधिक धन अर्जित करने का मामला सामने आया था। इससे जुड़े जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनिल कुमार सिंह के खिलाफ भी दर्ज करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार के मामलों पर गंभीर हैं। आर्म्स मॉडिफाई करने वाले पुलिस के रडार पर। राजधानी रांची में बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में बने आर्म्स लाइसेंस के जरिए हथियार खरीदने की सूचना है। पुलिस के जांच में अब सामने आई है कि दूसरे राज्यों से बने ज्यादातर आर्म्स लाइसेंस फर्जी हैं।
लेकिन फर्जी आर्म्स लाइसेंस के आधार पर ही धड़ल्ले से राजधानी में हथियार खरीदे जा रहे हैं। खासकर भूमाफिया और जमीन दलालों के द्वारा इस तरह के फर्जी लाइसेंस पर हथियार खरीदने की सूचना पुलिस को मिली है। इन्हीं हथियारों के बल पर जमीन दलाल और भूमाफिया जमीनों पर कब्जा के साथ साथ लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद रांची एसएसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और रांची के सभी 42 थानेदारों को अपने अपने क्षेत्र में जितने भी लोगों के पास राज्य के बाहर बने आर्म्स लाइसेंस हैं सभी का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 20 स्टेशनों का होगा जीर्णोद्धार। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 20 स्टेशनों के पूर्ण विकास की पीएम नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी। इस दौरान सभी स्टेशनों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। हटिया स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों के जीर्णोद्धार का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इनमें झारखंड के भी 20 स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे देश में 508 स्टेशनों के जीर्णोद्धार के लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। पिछड़ों को आरक्षण की मांग, 28 अगस्त को राजभवन के समक्ष महाधरना। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने कहा है कि पिछड़ों को आरक्षण की मांग को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। इसी क्रम में 28 अगस्त को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय महाधरना दिया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो इसके लिए बैठक कर लोगों से महाधरना में शामिल होने की अपील की जाएगी। इसी क्रम में 16 अगस्त को बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी। महाधरना से पहले दुमका के गांधी मैदान में 25 अगस्त को महाजुटान होगा। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की पूर्व निर्धारित बैठक काली स्थान रोड स्थित डॉक्टर दिलीप सोनी के आवास में रविवार को झारखंड के पूर्व मंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष लालचंद महतो की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई है। गिरिडीह बस हादसा, स्कूटर के इंश्योरेंस पेपर पर चल रही थी बस। रांची से गिरिडीह चली आलीशान बस की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि बस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी और आउट ऑफ कंट्रोल इस बस ने बराकर नदी के पास अपना संतुलन खोने के बाद पुल से नीचे जा गिरी। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि स्टेयरिंग दाहिनी ओर काटने के बाद बस अचानक स्किट की गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि स्किट होने के बाद उत्तर दिशा की ओर जा रही बस 180 डिग्री के एंगल से घूमते हुए दक्षिण दिशा की ओर गई। इसके बाद कई रेलिंग को तोड़ते हुए यह बस नदी में जा गिरी जिसमें सवार 4 लोगों की जान चली गई और 17 लोग जख्मी हो गए। झारखंड में टमाटर और अदरक की भी चोरी। गुमला थाना की पुलिस ने डेली सब्जी मार्केट टंगरा के 66 सब्जी दुकानों से ताला तोड़कर टमाटर अदरक सहित इलेक्ट्रॉनिक तराजू चोरी करने के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है जिसमें एक युवक नाबालिग है जबकि दूसरा युवक मुरली बगीचा निवासी कृष्ण कुमार 19 वर्षीय है। वहीं पुलिस ने इन दोनों चोरों की निशानदेही पर 3 इलेक्ट्रॉनिक तराजू, कुल विभिन्न वजन के 80 बाट, 10 किलो अदरक और 25 किलो टमाटर भी बरामद किया है। विश्व आदिवासी दिवस पर बड़े वोट बैंक को साधने में जुटे दल। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड में सैकड़ों कार्यक्रम आयोजित होंगे। हर संगठन अपने अपने हिस्सों के आदिवासियों के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा। हालांकि इस बार सरकार में शामिल 2 मुख्य दलों की अलग अलग तैयारियां सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने देर से ही कार्यक्रम को लेकर अपनी अलग तैयारी शुरू कर दी है। इस कार्यक्रम में पार्टी के शीर्ष नेताओं का भी जुटान होगा। अभी तक की तैयारियों के अनुसार कार्यक्रम प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के आवास के निकट बनहौरा मैदान में आयोजित किया जा सकता है। आदिवासी हमारे साथ, भाजपा भ्रम फैला रही, इरफान अंसारी। आदिवासी समुदाय को लेकर अपने ताजा बयान को लेकर विवादों में आए जामतला के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने दावा किया है कि आदिवासी राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों को अगर उनके किडनी की जरूरत पड़ी तो दे देंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा तिकड़म में जुटी है और भ्रम फैला रही है, आदिवासी इनके झांसे में आने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर कांग्रेस विधायक ने उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया है। साथ ही आदिवासियों पर दिए अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के बारे में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जानकारी दी। इरफान अंसारी ने बताया है कि उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर टिप्पणी की थी लेकिन इन लोगों ने वीडियो को काट छाट कर प्रसारित किया है।
आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा खरसावा स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य खरसावा समेत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास की आधारशिला रखी। राज्य खरसावा के हाई स्कूल मैदान में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक दशरथ गगराई, DRM अर्जुन राठौर, ADRM विनय कुजूर, पद्मश्री छोटनी महतो, मीरा मुंडा ने शिलापट अनावरण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि आज भारतीय रेल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन की परिकल्पना भी 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के संकल्प से बंधी है। स्कूलों में पढ़ाई कुछ और, सवाल कुछ और, तो कैसे होगी साप्ताहिक परीक्षा? झारखंड के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की साप्ताहिक जांच परीक्षा शुरू हो गई है। अगस्त के पहले शनिवार को ट्रायल के रूप में परीक्षा का आयोजन किया गया। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इसका आयोजन किया है। इसमें राज्य के करीब 80% स्कूलों के शामिल होने की बात कही जा रही है। अब दूसरे और इसके बाद चौथे शनिवार को साप्ताहिक परीक्षा का आयोजन होगा। पहले साप्ताहिक परीक्षा के साथ ही JCERT स्कूलों और बच्चों के बीच बड़ी चुनौती सामने आ रही है। राज्य के सभी स्कूलों में अलग अलग पढ़ाई चल रही है, लेकिन प्रश्न JCERT तय कर रहा है। ऐसे में अगर किसी चैप्टर की पढ़ाई उस सप्ताह नहीं हुई है और परीक्षा में उसके प्रश्न पूछे गए तो छात्र छात्राएं उसे बना नहीं सकेंगे। इसके लिए JCERT को स्कूलों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा, तभी स्कूलों में जो कुछ पढ़ाई हो रही है उसी से संबंधित प्रश्न साप्ताहिक परीक्षा में पूछे जा सकेंगे। हजारीबाग में दिनदहाड़े फायरिंग मामले में पुलिस मुख्यालय गंभीर। हजारीबाग में शनिवार को हुई दिनदहाड़े फायरिंग मामले में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है। हजारीबाग पहुंचे DGP अजय कुमार सिंह ने फायरिंग पर अपना बयान देते हुए कहा है कि अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है, दो दिनों के अंदर उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। उन्होंने समीक्षा बैठक के बाद यह बात कही है। दरअसल हजारीबाग शहर में शनिवार को दिन दहाड़े आबादी वाले इलाके इमली कोठी बीच चौक पर एक युवक ने धाए धाए एक के बाद एक 6 गोलियां चलाई थी। फिल्मी स्टाइल में गोलियां एक युवक को लक्ष्य कर दागते हुए वह दौड़ भी रहा था। बड़का गांव के बादम के युवक राजेश कुमार पर गोलियां दागी गई थी। गोलियां चलते देख इमली कोठी चौक पर अफरा तफरी मच गई थी। उस वक्त सभी दुकानें खुली हुई थी और लोग पैदल और वाहनों से भी जा आ रहे थे। धन्यवाद।